गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट, आई एम योर कंप्यूटर टीचर तुबा अमीर. टुडे इज़ माई 16 लेक्चर ऑफ क्लास 5. स्टूडेंट, टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 25. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 3, दैट इज सॉफ्टवेयर बेसिक्स. स्टूडेंट, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज़ करने में काम आते हैं, कोई भी हार्डवेयर हो उसको सपोर्ट करने में, उसे यूज़ करने में काम आते हैं. ठीक है, अब कोई भी हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है. कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, मतलब के हार्डवेयर होते हैं, कुछ भी होता है उसको यूज़ करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स. अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? हाँ, यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम. ठीक है, जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत छोटे प्रोग्राम होते हैं, प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, विच सपोर्ट्स अ स्पेसिफिक टास्क ऑफ द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जो ठीक है, जो मखसूस काम होते हैं जिसे वो सपोर्ट करने में मदद देता है. द यूटिलिटी प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर मैनेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंटरनल प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर. जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, और जो मॉनिटर होता है उसको मैनेज करते हैं. ठीक है, और जितने भी कंप्यूटर में प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो अंदर की साइड में होते हैं, उन सबको ये अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है. जब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को जब बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं. अब ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने कौन से प्रोग्राम आपको चाहिए, आप वो इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं. डिफरेंट यूटिलिटीज़ कैन बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है, बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं जो बहुत से अलग अलग काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम पढ़ते हैं डिस्क स्कैनर. अब ये डिस्क स्कैनर क्या होता है? अ डिस्क स्कैनर विच इज़ आल्सो नोन एज स्कैन डिस्क. अब जो डिस्क स्कैनर होता है उसको हम स्कैन डिस्क भी कहते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटेनेंस टूल दैट इज़ प्रेजेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये स्कैन डिस्क क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा आम एक ऐसा टूल है, आम टूल होता है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है, जिसे हम अपने कोई भी प्रोग्राम को इजीली मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ यूटिलिटी दैट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग द हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर फॉर एरर्स एंड करप्ट डाटा. अब ये क्या करता है, ये जो प्रोग्राम होता है यूटिलिटी, ये चेक करता है हार्ड ड्राइव्स को जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती हैं. अगर कोई हार्ड ड्राइव में एरर आ जाता है या हमारा कोई भी डाटा कंप्यूटर में करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है और प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा होता, उसको ये देख रहा होता है. ठीक है, उसको ये चेक करता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. इफ़ द स्कैन डिस्क फाइंड्स एन एरर ऑन द हार्ड ड्राइव, इट विल अटेम्प्ट टू फिक्स एट फिक्स इट. इट्स मीन कि अगर स्कैन डिस्क कोई भी एरर, कोई भी करप्टेड डाटा देख लेती है तो वो क्या करती है, हार्ड ड्राइव को पहले फिक्स करती है. ठीक है, जो भी प्रोग्राम अगर कोई ख़राब हो रहा होता है उसको ये देखती है, फिर इसको फिक्स करती है. ठीक है, द एरर्स फाउंड इनसाइड अ हार्ड ड्राइव कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, सम ऑफ विच आर. अब ये जो एरर कंप्यूटर के अंदर कोई भी हार्ड ड्राइव के अंदर ढूंढ लेता है अगर स्कैन डिस्क, तो फिर ये क्या करता है, उसको फिक्स करता है. और दूसरा, जो ज़्यादातर एरर जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, उसको हमने नीचे राइट किया है, फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस और इम्प्रॉपर शट डाउन ऑफ कंप्यूटर. अब जैसे कि अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हैं, आपने अगर तरीके से अगर आपने सारी फाइल्स को बंद नहीं किया और आप उसे शट डाउन कर रहे हैं, या फिर आप गलत तरीके से डायरेक्ट अगर आप उसको शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं कंप्यूटर को, और इसके अलावा डायरेक्ट आप स्विच ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर को, तब भी आपके जो कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो
करप्ट हो जाते हैं, उनमें एरर आ जाता है। इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप उसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में जा के शट डाउन करें, ठीक है। नंबर टू पॉइंट है सिस्टम एप्लीकेशंस दैट हैव बीन क्लोज्ड इन एडिकेटली। अगर आप सिस्टम एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करते हैं, क्रॉस कर जहाँ पे साइन होता है उसको नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली बंद कर देते हैं, तब भी आपके कंप्यूटर में एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। नंबर थ्री पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मफुल प्रोग्राम सच एज वायरस ट्रोजन्स इन द हार्ड ड्राइव। अब जैसे कि आपके प्रोग्राम में कोई ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम्स आ गए हैं, मतलब कि कंप्यूटर में जैसे कि वायरस है, ठीक है, जिससे आपका सारा डाटा ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये वायरसेस भी कंप्यूटर में आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, जिस तरीके से आपने काम करना होता है वो भी आप नहीं कर पाते इजीली, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वायरस होते हैं उसको स्कैन करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाइल स्कैन डिस्क इज रनिंग, जब स्कैन डिस्क चल रही होती है, रनिंग कर रही होती है, इट चेक्स द हार्ड ड्राइव, वो हार्ड ड्राइव को हार्ड डिस्क को चेक करती है, ठीक है। इट चेक्स द हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क को चेक करती है, एंड फाइल सिस्टम फॉर डिफेक्ट्स, इट विल बोथ सर्च एंड करेक्ट द लॉस्ट एंड बैड क्लस्टर्स दैट वर क्रिएटेड व्हेन अ सर्टेन प्रोग्राम वाज अबॉर्टेड। जब स्कैन डिस्क चल रही होती है तो क्या करता है, ये चेक करता है हार्ड डिस्क को और फाइल सिस्टम को, कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है उसको चेक करता है, ठीक है। और ये सर्च भी करता है और करेक्ट करता है किसे, जो बैड क्लस्टर्स होते हैं उसको, ठीक है। और इसके अलावा जब कोई भी प्रोग्राम जब हम उसे ख़त्म कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी जो आपने नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है, ठीक है, ये क्या करता है, सर्च करता है और करेक्ट करता है जो डाटा हमारा गुम गया होता है या फिर बैड क्लस्टर होते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम यही है कि ये प्रोग्राम जो होता है यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैन डिस्क, ये कोई भी वायरस आ देता है तब बता देता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका हुआ है, जैसे कि हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। स्कैन डिस्क जब काम कर रहा होता है और ये आपसे पूछता है कि सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू चेक द फॉर एरर्स, ये कहता है कि आप पहले सिलेक्ट कर लें कि आपने किस ड्राइव में से, किस में से फोल्डर में से आपने एरर को चेक करना है, तो वो आपको बता देता है कि कौन से एरर को हमने स्कैन करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम ही है कि कोई भी डिस्क होती है जो कंप्यूटर में मौजूद होती हैं ABC के नाम से, उसको ये अच्छी तरीके से स्कैन करता है और बताता है कि कहाँ पे कौन सा एरर मौजूद है, उसे आपने कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। स्टूडेंट, अब आपका ये होमवर्क है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस सिस्टम सर्विसेज ड्राइवर्स फॉर हार्डवेयर सिस्टम प्रेफरेंसेस एंड अदर फाइल्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर एंड देयरफॉर इज कॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ढेर सारे फंक्शंस का कलेक्शन होता है, सिस्टम सर्विसेज का, ड्राइवर जो हार्डवेयर के साथ जो ड्राइवर होते हैं उनका, और सिस्टम प्रेफरेंसेस एंड अदर फाइल प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में जो बहुत सी फाइल्स होती हैं, ठीक है, उन सब का ये कलेक्शन होता है और ये बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन करता है, इसीलिए इसको लो लेवल सॉफ्टवेयर कहते हैं।